जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? Our ambition, our goal, our purpose. ये क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिंदगी का? According to you, yes. ठीक है, आगे देखते हैं. जो मैंने देखा है अपने साथ जो यंग लोगों को, तो उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी रहता है कि उनको जॉब मिल जाए, उनको कोई काम मिल जाए, उनको अच्छे पैसा मिल जाए. तो एक है कि एक बहुत ही हम सुपरफिशियल लेवल पे बोलते हैं कि गोल्स, एम्बिशंस या हमारा जो इनर मोटिवेशन है वो मोटिवेशन है, बट जो एक्चुअली चीजें हमें ड्राइव कर रही है वो ये सारी चीजें हैं. तो आप कह रहे हो सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन? हाँ, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए. सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है लाइफ में? सेटिस्फेक्शन अगर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो आप अचीव कर ले रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो. जो हम करना चाहते हैं अगर वो हम अचीव कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं. हाँ. तो कितना कुछ करना चाहते हो आप लोग लाइफ में? क्या थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हो? बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन करते क्यों नहीं हो सर? क्योंकि हम अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं. यस सर. करने से डर लगता है सर. हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते. हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते. सब एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? हाँ, कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं. आप ये कह रहे हो, अब देखना ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है. आप क्या कह रहे हो, हमने ये वर्ड यूज किया सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं अगर वो हम कर लेते हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. बिना उसके मिल सकता है क्या? अगर आपको उठा करके कमरे में मैं बंद कर दूं और बोलूं हो जाओ सेटिस्फाइड, जो चाहिए जीने के लिए वो सब मिलेगा, खाना मिलेगा टाइम पे, पानी पीने को मिलेगा, क्या आपको लगता है सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा लाइफ से? नहीं मिलेगा. तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सके. लेकिन थियोरेटिकली तो ये बात समझ आती है, पर प्रैक्टिकली कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि जो भी मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया? बहुत कम. क्योंकि ये गोल्स एम्बिशंस भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ. एक एज में जो आपका गोल होता है, जो एम्बिशन होता है, लग रहा होता है यही सब कुछ है, जब उसको अचीव कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है? नंबर वन दूसरा आ जाता है, नंबर टू जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है. सर, सर तो क्या हम अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे? एग्जैक्टली. देखो यही बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने पॉइंट बोला. तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. जब तक कुछ नहीं मिला होता है तब तक उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. जब मिल जाता है और जब उसकी आदत पड़ जाती है, जब वो एक रूटीन बन जाता है, तो बोरिंग हो जाता है. फिर हमें कुछ और चाहिए होता है. तो इस तरह से तो हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते. इसका मतलब तो एक बार नहीं, बार बार लाइफ में हमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, या ये कह लो फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा. वीडियो गेम से ज्यादा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो. कितने हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी वीडियो गेम खेली है कोई ना कोई? तो बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं. एक वीडियो गेम हो जिसमें आपका गोल है, आपका एंबिशन है कि मेरे को इस वीडियो गेम के इस लेवल तक पहुंचना है. एक बार पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? पहली बार में सबसे ज्यादा मजा आता है, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में खेलने का भी मन नहीं करता. लेकिन जबरदस्ती आपको खेलना पड़े पूरी जिंदगी के लिए तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो या तो हमको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, कोई दूसरी गेम खेलनी पड़ेगी, यानी कि लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, या फिर उसी के अगले लेवल पे जाना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम इज, जैसे ही हम एक लेवल पे चले जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको इस लेवल को खोने का डर होता है. सब रिलेट कर रहे हैं ना मेरी इस बात से? हाँ. फिर चाहे लाइफ जितनी मर्जी बकवास हो, लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट ना आ रहा हो, सब कुछ बोरिंग हो, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ पाते. कोई ना कोई एक्सक्यूज दे करके हम बस वहीं पर अटक जाते हैं पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ निकल जाती है. तो लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? घूम फिर के फिर हम वहीं आ गए. यानी कोई ऐसा मोटिवेशन जो हमको कहीं पर भी लाइफ में अटकने ना दे. हाँ सर, हार और जीत दोनों को छोड़ के एक्सपीरियंस के बेस पे आगे बढ़ना. हार और जीत को छोड़ करके आगे बढ़ना लाइफ में. अब ये कैसे होगा? उसकी मोटिवेशन कहां से आएगी कि हार को भी छोड़ दिया, जीत को भी छोड़ दिया, बड़ी से बड़ी हार से भी फर्क ना पड़े और ये छोटी मोटी जो जीत होती है जिसको हम जीत समझते हैं उससे भी फर्क ना पड़े. कोई ऐसा मोटिवेशन जो लाइफ के एंड तक चलता ही रहे. जैसे ही वो हमको याद आए, एक मिनट सुनना, हाँ, जैसे ही वो हमको याद आए तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाए. सर मतलब हमको एक ही लाइफ मिलती है, उसी में जो करना है वही कर सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कभी. जो आपने कहा उसको मैं एक वर्ड में डिफाइन करता हूँ, वो है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ. इससे बड़ा सच कोई और है? नहीं, नहीं. लेकिन इसके बारे में बात करने से भी हम डरते हैं, इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं ना बेवकूफ. जो जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है.
इसीलिए हम छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। छोटे मोटे मोटिवेशंस क्या हैं? डिजायर एंड फियर। 99.9% जो लोग हैं उनकी लाइफ इट्स ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर, नथिंग एल्स। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी है मोटिवेशन। सर्कस में किसी जानवर से कुछ करवाना है, कैसे करवाओगे? यही दो तरीके हैं, तीसरा कौन सा तरीका है? जैसे कोई जानवर है, मान लो कोई कुत्ता है, उसको हड्डी दिखाओगे जो उसके पसंद की है, उछलने लग जाएगा, हो गया ना मोटिवेट उछलने के लिए। और अगर उसको डंडा दिखाएंगे जिससे वो डरता है, उसको कहेंगे सिट, तो बैठ जाएगा। डंडा मारने की भी जरूरत नहीं है, डंडा दिखाएंगे बैठ जाएगा। तो डिजायर एंड फियर, क्या इसी तरह से हम एक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में? यही तो आपका कंफर्ट जोन है और क्या है? जो भी आपके सो कॉल्ड डिजायर्स हैं वो पूरे किए जाए और आपको बांध दिया जाए, तो क्या बंद होगे या नहीं बंद होगे? ऐसे ही बंधते हैं और इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसके बाद ये सवाल नहीं उठता है कि जो एक्शन आपको लेना पड़ रहा है उस डिजायर को पूरा करने के लिए, क्या उस एक्शन को लेने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? जैसे ये सवाल नहीं उठता है कि वो जो कुत्ता उछल रहा है उसको उछलने का मन है या नहीं है? अगर ये चाहिए तो उछलना पड़ेगा। ये जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं, इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो ये कोई समझदार तरीका नहीं है जीने का लाइफ को। जानवर भी ऐसे जीते हैं। अगर एक्चुअल में इंसान होने का जो एक्चुअल में मतलब है, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है सबसे बड़ा? दिमाग। दिमाग क्या होता है? दिमाग मतलब क्या? ब्रेन तो उनके पास में भी, हमारे पास में भी है। इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है यहां पर जो वहां पर नहीं होता जानवरों के केस में? थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? हाँ, वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वॉट इज गुड फॉर अस, वॉट इज बैड फॉर अस, नॉट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। जानवरों के पास में कोई चॉइस नहीं है, दे आर ड्रिवन ओनली एंड ओनली बाय देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। जैसे मैंने अपने एक सेशन में कहानी सुनाई थी कि बंदरों को कैसे पकड़ते हैं। कितनों ने सुनी है वो कहानी, बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? एक बॉटल लेते हैं और उसका जो आगे का मुंह होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक बंदर का हाथ अंदर तो चला जाएगा, लेकिन नहीं बाहर भी आ जाएगा। जब अंदर जाएगा तो बाहर क्यों नहीं आएगा? कैसी बातें करते हो, ये तो वही बात हो गई, सीढ़ी से ऊपर तो जा सकते, नीचे नहीं आ सकते, ये कैसी सीढ़ी है? नहीं नहीं नहीं, अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, लेकिन अगर वो बंदर मुट्ठी बंद कर ले तो बाहर नहीं आ सकता। तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़े से चने डाल दिए जाते हैं। अब बंदर आता है उस चने के लालच में, आकर के अपना हाथ अंदर डालता है, चने हाथ में आ जाते हैं, उसकी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो पूरी कोशिश करता है, और ये बॉटल बंदी होती है एक रस्सी से, पूरी कोशिश करता है निकलने की, निकल नहीं पाता है। क्योंकि निकलना एक सेकंड का, मुट्ठी खोले और निकल जाए, लेकिन वो चने छोड़ने को तैयार नहीं है। लालच। इस चने के लालच के चक्कर में क्या होता है, वो जिंदगी भर के लिए मदारी का गुलाम हो जाता है, बन जाता है, फंस जाता है। इसी को बंधना कहते हैं, इसी को फंसना कहते हैं, इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। इंसान होने का मतलब यह है कि हम फर्क कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, नॉट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। एक्चुअल में आपको इंसान तभी बोला जा सकता है जब आप इस फर्क को देख पाओ। इसी को इंटेलेक्ट कहते हैं, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यानी हम इस फर्क को देख पाए कि अगर हमारा लाइफ में मोटिवेशन है डिजायर और फियर, जैसे कि सबका है, तो उसकी वजह से हम लाइफ में कितनी बुरी तरीके से जाकर के फंसने वाले हैं। तो फंसने से पहले ही हम देख लें कि इस रास्ते पे चल करके हम फंसने वाले हैं और हम उसको अवॉइड करते हैं, और हम कहें कि क्या कोई दूसरा भी तरीका है जिंदगी को जीने का इस डिजायर और फियर के अलावा? कैन द ड्राइविंग फोर्स इन माई लाइफ बी समथिंग एल्स, जो सबसे अलग हो? एंड दैट इज डेथ, जो इस दुनिया की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। कोई ऐसे सोचता भी नहीं है। डेथ नाम से ही हमको डर लगता है, वर्ड से ही डर लगता है। कभी अपने घर वालों के सामने अगर ये वर्ड आपके मुंह से निकल गया ना कि मैं मर गया, तो अरे बेटा शुभ शुभ बोली, डर जाते हैं लोग। इसका आंसर मुझे पता है कैसे मिला, जब कल रात को एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया ना कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तो इस क्वेश्चन के साथ में मैं सो गया। सुबह उठा तो फिर मेरे को आंसर मिला कि रोज रात को अनजाने में, नॉट जानबूझ करके, सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को नींद कैसे आती है कि सोते वक्त ब्रेथ पे ध्यान चला जाता है और अंदर एकदम से थॉट आता है कि अब दिस इज इट, बस ये लास्ट है।
सो रहा हूं, अब नहीं उठूंगा। रोज रात को यही होता है और बड़ी गहरी नींद आती है, यानी चैन की नींद आती है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं करते, सेटिस्फेक्शन पूरी है, जो किया, जो कर रहा हूं, जो करने वाला हूं, 100% सेटिस्फाइड विद, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर यही आपकी लाइफ का गोल बन जाए तो, कि इस तरह से सोना है हर रात को कि अगर अगले दिन आप सुबह ना भी उठो तब भी कोई परवाह नहीं है, तब भी एक सेकंड में नींद आ जाए। कैसी लाइफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. क्या डिजायर और फियर के बेस पे अगर हम एक्ट करते रहे तो कभी भी हमारी ऐसी लाइफ हो पाएगी? No, sir. जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल भी गई, एक लेवल पे होगी तो आपसे ऊपर लेवल पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, फिर एक नया डिजायर आ जाएगा, अब मुझे इस लेवल पे जाना है, फिर अभी इधर जाना है, उधर पहुंच गए तो फिर यहां जाना है, तो हो गए ना खच्चरों की रेस में शामिल। इसी को तो मैं खच्चर बोलता हूं, भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है चूहों की दौड़ है, जीत भी गए तो एंड में चूहे के चूहे हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये जो इनसाइट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस है एक इंसान में और एक जानवर में। इंसान होने का मतलब ही यही है, इंसान होने का फायदा ही यही है, जब आप इस तरह से सोच सको, इस तरह से लाइफ को देख सको, इस तरह से जी सको। एक बात बोलूंगा, हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगेगी, बोलूं नहीं बोलूं, मतलब yes, थोड़ा बोल दूं, सहलोगे? Yes, sir. ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिक ही नहीं सकते। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है वो है वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा। वो भी आपके लिए क्या हो गया? वहीं तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है, ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको, क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है? खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ जाएगी, इस थॉट से उड़ गई होगी अभी तो कई लोग कि पंखा चलाया उस पे से भी पैसा गिर रहा है, पैसा 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 चारों तरफ पैसा 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 पैसा। तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी, किसी भी बंदे के पास में जाओगे सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके ये बात बोल देगा। फिर उसको बोलो हाँ भाई तेरी औकात कितनी है? मेरी औकात है मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का, मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस से कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं है अपना पेट भरने के लिए, गलत काम कर रहा है। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस 2 कौड़ी, ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। किसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं, अभी से अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज सर, सिर्फ आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे, वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे?
तो एक्चुअल में इसके बारे में कब सोचना चाहिए? आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है? लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो 2 घंटे का है? अच्छा, बाकी देखा ही नहीं है। अरे देखो भैया देखो, है वो कुछ अलग लेवल की चीज है। एनी हाउ, तो उसमें एंड में मैंने क्या एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को क्या कहानी थी? आपने कहा था कि एक आपके दादीमा कहानी सुनाया करते थे आपको, जिसमें एक मे बी कोई रिच पर्सन था, वो उसने पूरी ज़िंदगी तो बहुत कमाया, बहुत ऐश की पूरी ज़िंदगी, पर जब उसकी डेथ आई तो वो इतना खुश नहीं था, और उसका उसका दिल से वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, खुश नहीं रहा। तो अब आपने उस टाइम कहा था अगर ऐसा हमको लेवल अचीव करना है लाइफ में, अगर किसी भी दिन हमको पता चल जाए भी हमारी डेथ होने वाली है 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में हमारी डेथ होने वाली है, तो हम बिल्कुल खुश हों कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और जो मैं चाहता था मैंने अपने आप को इतना डिस्कवर किया, जो मैं चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कि जब मेरी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का, कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा, अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो। ये बात समझ आई जो मैंने बोली है? दुनिया का जो हाईएस्ट गोल है वहां से तो एक्चुअल में आपके इस गोल की शुरुआत होगी, जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का। दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया, ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन।